आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक के आधार पे के बारे में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि अगर आप फिनो पे आधार पे से ट्रांजैक्शन करते हैं और कस्टमर के अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं तो आपके बीसी वैलेट में क्यों नहीं आ रहे हैं, पैसे ना आने का कारण क्या है और पैसे कैसे आ सकते हैं, फिनो आधार पे की तरफ से क्या टर्म एंड कंडीशन रखी गई है जिससे फ्रेंड आप आधार पे से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और साथ ही साथ फिर मैं आपको भी बताऊँगा आप अपने बेनिफिशरी में कैसे अपना अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक बात जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं। आप सबको पता है फ्रेंड कि हाल ही में फिनो की तरफ से एक नई सर्विस को लॉन्च किया गया आधार पे को। ऐसे फ्रेंड जितने भी फिनो के बीसी एजेंट हैं सभी आधार पे से ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं। आई थिंक फ्रेंड अब सभी में ये फिनो के पे का ऑप्शन आ चुका है और सभी लोग यहां से आधार पे की सर्विस यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन फिर उनके पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो विड्रॉल तो कर लेते हैं आधार पे से और कस्टमर के अकाउंट से अमाउंट भी कट जाते हैं, लेकिन फिर उनके बीसी अकाउंट में अमाउंट नहीं आते हैं। ऐसे मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए कि क्या प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सलूशन रहने वाला है। तो आप फिर जब भी यहाँ बीसी आईडी को लॉगिन करते हैं तो यहीं से देख सकते हैं आपको आधार पे का ऑप्शन मिल जाता है, एपीएस आधार पे। आप यहाँ से क्लिक करेंगे। अभी फिर शायद कुछ लोग हैं जिनमें आधार पे अवेलेबल नहीं हो, ना वर्क करता हो, जैसे इनमें देख सकते हैं बताया गया है एपीएस टर्मिनल यहाँ से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जिनके में हो चुका वो लोग वर्क कर रहे हैं, यहाँ से पैसे निकाल लेते हैं, अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं, लेकिन उनके बीसी आईडी में पैसे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे फिर चलिए हम उसका रीजन जान लेते हैं। आधार पे फ्रेंड मैंने एक वीडियो बनाया था जब आधार पे लाइव हुआ था कि कैसे कैसे आप सर्विस को यूज कर सकते हैं, कितना आपको चार्ज इसमें लगेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड सीधा सीधा बताया गया है जिस दिन आप आधार पे से पैसे विड्रॉल करेंगे उनमें देख सकते हैं जिस दिन ट्रांजेक्शन करेंगे प्लस उसके वन डे, यानी फ्रेंड अगर आप आज ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके अगले दिन ही आपको ये बैंक में सेटलमेंट होगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आपको एपीएस और माइक्रो एटीएम के जैसे आप ट्रांजेक्शन करें तुरंत आपके बीसी वैलेट अकाउंट में सेटलमेंट हो जाता है, आधार पे में ये नियम नहीं है फ्रेंड। इसकी गाइडलाइंस के अनुसार ये है कि अगर आप आज ट्रांजेक्शन करते हैं उसके एक ही दिन बाद ही आपके उसमें वैलेट में विड्रॉल होगा, लेकिन फिर वो आपके वैलेट विड्रॉल नहीं होगा, सीधा जो आप बेनिफिशियरी ऐड किए रहेंगे उसमें अकाउंट में जाएगा। बेनिफिशियरी कहां से ऐड करेंगे फिर अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एक चीज और है फिर अगर आप आधार पे यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने फिनो में करंट अकाउंट ही ऐड करें। अगर आप यहां से एपीएस और यहां से माइक्रो एटीएम से पैसे निकालते हैं तब तो फ्रेंड यहाँ से आप सेविंग अकाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आधार पे की सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेंड आपको कंपल्सरी है कि आप अपने यहाँ से बीसी अकाउंट के साथ फ्रेंड अपने करंट अकाउंट को ही ऐड करें। अब बीसी अकाउंट के साथ करंट अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, जिसके लिए यहाँ से आपको सिंपली देख सकते हैं आ जाना है यहाँ से आपके प्रोफाइल पे। यहाँ जैसे फिर प्रोफाइल पे आएंगे तो माई प्रोफाइल पे यहाँ से क्लिक करना है। माई प्रोफाइल में आने के बाद फिर आपकी सारी डिटेल यहाँ से आ जाएगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहीं से एक ऑप्शन मिल जाता है माई बेनिफिशरीज का, आपको सिंपली माई बेनिफिशरी पे क्लिक करना है। जैसे माई बेनिफिशरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने बेनिफिशरी अगर आप पहले से ऐड किए हैं तो वो शो हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड बेनिफिशरी, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फिर ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि आपको दो ऑप्शन मिलता है, सेम नेम या फिर अदर नेम। अगर फिर आप सेम नेम से अपने बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं तो आप बाद में बैंक अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप अदर नेम से सेव कर लेते हैं तो फिर आपको बाद में बैंक अकाउंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक आप अदर नेम से ही बैंक अकाउंट को ऐड करिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ आके अपना एक करंट अकाउंट जरूर ऐड कर लें, अभी तक ओपन नहीं करवाएं तो किसी बैंक में अपना एक करंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, जिससे आधार पे आप सर्विस यूज करेंगे तो इसका सीधा पैसा आपको डिडक्ट हो जाएगा, आपके यहाँ से उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार फिर आपको आधार पे में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका नेक्स्ट दिन होगा, जिससे कि यहाँ से देख सकते हैं साफ साफ बताया गया आधार पे ट्रांजेक्शन विल बी डन ट्रांजेक्शन प्लस वन दिन, जिस दिन ट्रांजेक्शन करेंगे उसके एक दिन पे ही बाद वो सेटलमेंट हो जाएगा। आई होप गाइज अब आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे आधार पे से आप ट्रांजेक्शन करें कि वो आपको पैसा नहीं आ रहा है। मैंने इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। और फिर अगर आपको फिनो की रिटेलर आईडी चाहिए तो मात्र 399 रुपये में आप फिनो की रिटेलर आईडी ले सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ फिर आपको ये जो नंबर दिया गया आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9713848747, आपको यहाँ से फिनो की यहाँ से CSP आईडी मिल जाएगी, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, आप जाके हमें फॉलो जरूर करें। इस तरीके से नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नए नए अपडेट आते हैं मैं आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट करता रहता हूँ। चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के लिए कॉल पर क्लिक करें। जितने मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा उसको आपको पहुंचाई तक जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।